नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चाय की चर्चा पे। मंगलवार का दिन है और मार्केट में देखा जाए तो कुछ शायद हमको 40 पॉइंट का गैप अप मिलना चाहिए, 30 से 40 पॉइंट का। ठीक है, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, एग्जिट कर लीजिएगा। प्रॉफिट कुछ इतना ज़्यादा होगा नहीं क्योंकि विक्स जो है वो 12 के भी नीचे चला गया है। ठीक है, तो ऐसे में हो क्या रहा है, विक्स के इतने लो की वजह से मार्केट जिस तरफ बढ़ता है, सी साइड या पी साइड, वहाँ पे एक तो प्रीमियम आपको इतना ज़्यादा नहीं मिलता है। ठीक है, जो कि 15-16-17 के विक्स होने से आपको जो प्रॉफिट मिलता था उसकी जगह प्रॉफिट मिल रहा है आधा। और क्या हो रहा है, जो दूसरी साइड की पुट या कॉल है, मतलब जिसके अगेंस्ट मार्केट जा रहा है, वो एकदम से हाफ हो जा रही है। ठीक है, तो ये लो विक्स का थोड़ा सा नुकसान होता है। अब यहाँ पे 17,800 के आसपास टोटली 17,780-790 के आसपास टोटली एग्जिट करने लगा है, टोटली एग्जिट। ठीक है, और बैंक निफ्टी में अगर आपकी सी है 42,750-800 के आसपास, बिल्कुल भी मतलब पहली फुर्सत में एग्जिट मारिएगा, पहली फुर्सत में। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट करना है नहीं करना है वो तो मैं लाइव मार्केट में ही देख के टेलीग्राम पे ही आपको बता पाऊँगा। और यहाँ से सिर्फ इतनी ही इंडिकेशन है कि गैप अप होगा तो फिर कंसोलिडेशन होगा और 12 बजे तक मार्केट में कुछ नहीं होगा, ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है। डाउ जोन्स ने तो कसम खा ली है, ठीक है, कि ना मैं ऊपर जाऊँगा ना मैं नीचे जाऊँगा, मैं तो यहीं रहूँगा। 33,800 इसको हो गए 3 से 4 दिन, कुछ नहीं है। 30-40 पॉइंट का मूवमेंट, 50 पॉइंट का मूवमेंट है 33,000 के इंडेक्स में, भयंकर कंसोलिडेशन है। अप्रैल का मंथ देख लीजिए आप कैसा निकला है। ठीक है, नील बटा सन्नाटा अप्रैल का मंथ, तो देखते हैं। पहली बात तो मुझे लगता है 780-790 के आसपास निकलना है, पूरा का पूरा टोटल एग्जिट मारना है। उसके बाद 17,800 को होल्ड करता है तो हम 780, ठीक है, 777 का एसएल लगा के 850-860 के लिए इंट्राडे ट्रेड लेंगे। ठीक है, निफ्टी में लेंगे, बैंक निफ्टी में तो भैया अब नहीं, बैंक निफ्टी में बस जो आज ऊपर का प्राइस मिलेगा उसके बाद तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही खोजनी है। ठीक है, अगले 3 दिन के लिए वो मैं आपको जैसे भी होगा अगर टाइम लगा वीडियो बना दूंगा, नहीं तो टेलीग्राम पे तो डाल ही दूंगा। ठीक है, तो इतना ही है दोस्तों, ज़्यादा क्या बातचीत करें, क्रिप्टो श्रिप्टो थोड़ी सी मंदी है। ठीक है, वर्ल्ड मार्केट भी थोड़े से आज के लिए इंट्राडे बेसिस साइडवेज टू लाल लाल से ही दिख रहे हैं, है ही नहीं कहीं कुछ मोमेंटम ही नहीं है भाई। ठीक है, चलिए दोस्तों इतना ही है चाय की चर्चा, जो मैंने बोला उसको ध्यान रखिएगा, समझिएगा, दो बार सुनिएगा, फिर अपने हाथ पैर चलाइएगा। थैंक यू।